देखिए इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, कल सुबह आप नाश्ते में क्या बनाए, अगर गेस्ट आ जाए या बच्चों के टिफिन बॉक्स में आपको रखना हो तो बनाइए ये शानदार 7 मिनट में बनने वाला झटपट नाश्ता, सबको बहुत मजा आएगा। तो चलिए बच्चों की पसंदीदा रेसिपी नंबर 2 आज हम लेके आए हैं वापस से आपके लिए, तो स्टार्ट करें सपना, बताइए। तो हमने ब्रेड को राउंड शेप में काटना है, तो अभी मैं एक सैंपल बता दे रही हूँ कि कैसे काटा है मैंने। कोई भी एक कटोरी लेनी है और जस्ट एजेस निकाल देनी है। हाँ, तो देखिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये कैल्शियम रिच प्रोटीन रिच बच्चों की ऐसी पसंदीदा फ्यूजन रेसिपी जो देख के आपको मजा आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे? अब उसके बाद एक्चुअली इसमें जो फिलिंग है वो है हंकर्ड की फिलिंग। अच्छा, तो हंकर्ड बनाने के लिए आपको दही को 4 से 5 घंटे किसी भी मलमल के क्लॉथ में या कोई ऐसा नेट का क्लॉथ हो तो किसी भी क्लॉथ में आप 4 to 5 hours रख देंगे तो उसका पानी सारा निकल जाएगा। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम सपना माहेश्वरी के संग आपको दिखाने के लिए उनकी फ्यूजन रेसिपी नंबर 2 जो बच्चों के लिए बहुत फटाफट इंस्टेंट टिफिन स्नैक है, मजा भी आएगा उनको खाने में। तो अभी देखिए हंग कर्ड है, पानी निकला हुआ है, तो अब इसमें हमें वेजिटेबल्स डालनी है, ऑल द वेजिटेबल्स जो भी आपके घर में अवेलेबल है। तो अभी मैं जैसे बेल पेपर्स डाल रही हूँ, कलरफुल होता है तो वो अच्छा भी लगता है। कुकुम्बर बहुत फ्रेश फिलिंग होती है। कैप्सिकम, जितनी भी आप फिलिंग्स जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं। तो ये तीनों तरीके की कैप्सिकम हमने डाली है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अच्छे से डालिए। अब यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट हमने लिया है, अनियन, थोड़ा सा धनिया, और इसमें मैंने मिंट लीव्स डाल रही हूँ मैं। अच्छा, उसको भी बारीक काट लिया है मिंट लीव्स को, तो अंदर बहुत फ्रेशनेस वाली मिंट फ्लेवर आ जाता है इससे। ओके, उसमें मसालों में मैं सिर्फ ओरिगेनोस डाल रही हूँ और चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ओके, मैं सॉल्ट भी नहीं डाल रही बिकॉज मैं उसके ऊपर चटनी लगाऊंगी जब पिज्जा सॉस, तो फिर मैं सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट और नहीं डाल। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इडली शेप में है, सपना बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। राइट, आप ब्रेड अवेलेबल होती है सुबह सुबह हड़बड़ाहट में भी, आप बस दही हंकर्ड हमारे पास होना चाहिए, फटाफट बना के बच्चों को टिफिन में रख सकते हैं, टिफिन में भी रख सकते हैं, शाम को कोई गेस्ट आ रहे हैं तो स्नैक्स में भी बना सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस जो आप बना सकते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। इस पूरे हफ्ते हम सपना के संग फ्यूजन रेसिपीज आपको दिखा रहे हैं जो बच्चों की पसंदीदा है, जो आप 4 PM स्नैक में भी बना सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। अब ये राउंड जो ब्रेड थी उसमें मैं पिज्जा सॉस लगा रही हूँ। देखिए आप, अगर पिज्जा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, जो भी केचप, ग्रीन चटनी, मतलब जो भी है अवेलेबल वो लगा। हाँ, इस फिलिंग को स्टफ करेंगे। तो देखिए अच्छे से लगाएंगे यहाँ पर, अच्छे से लगाएंगे हंकर्ड। देखिए बिल्कुल दही है, इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं। राइट सपना, हाँ, पनीर भी डाल सकते हैं अगर आपको और हेल्दी इसको बनाना है। इसको बस क्लोज करना है इसके साथ। हाँ हाँ, और थोड़ा सा पानी के साथ इसकी एजेस को जो है इसे दबा के क्लोज कर देना है ताकि ये इडली का शेप ले लेगा। तो लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए ये रेसिपी नंबर 2 के संग सपना आई है, मस्त रेसिपी है ना, इडली शेप की लगती है, फटाफट बन जाती है, गेस्ट आ जाएं तो आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। बस आपके पास बंधा हुआ दही, पानी जिसमें से सारा निकल गया है वो होना चाहिए, जिसे हंकर्ड बोलते हैं। रात को दही को हैंग करके तो सुबह तक रेडी हो जाता है। अब हम चलेंगे हमारे पैन की तरफ यहाँ पर। तो अगर आपको ये आइडिया कैसा लगा कॉमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पर घी में हम लेंगे थोड़ा सा घी डालेंगे और उसके अंदर हम इसको राई जो है उससे टॉस करेंगे। अच्छा, तो राई जो है, अच्छा, तो वो राई का उसमें वो आ जाएगा और बहुत तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, राई जो है वो ऊपर नीचे उसको हाँ बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। और ये देखिए हमारी, अब हमने गैस को ऑन कर दिया है, फटाफट बनती है इडली शेप की। ये देखिए तड़का लग रहा है अच्छे से, बटर घी जो भी आपको लगाना है आप लगाइएगा, बच्चों के लिए बन रही है। और ये देखिए फटाफट बनने वाला ये राई का भी बहुत अच्छा आइडिया है सपना। जब गेस्ट आ जाए तो आप कितना इंस्टेंटली ये बना सकते हैं फटाफट इसको। और देखिए कितनी अच्छी लुक है ना,
फटाफट बनती है, नई तरीके के छोटे छोटे टिप्स काम आते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है। सो देखिए यहाँ पे हमारा बन चुका है सपना, इट्स अ वेरी वेरी नाइस इनोवेटिव आइडिया। देखिए फटाफट आप बना सकते हैं इसको, कल जरूर बनाइएगा। सिक चुकी है हमारी यहाँ पे ब्रेड, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पर। अब इसको हम चलेंगे वहां पे, प्रेजेंटेशन कर रखा है उन्होंने, देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर। और इसको अब अनारदाने से, वाह सपना बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट भी करा है उन्होंने। चटनी के संग इसको ऐसे सर्व करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है, ये शानदार रेसिपी सपना ने आज बनाई है, धनिया से कर दिया है सपना ने आज बनाई है। मिलते हैं उनके साथ, थैंक यू सो मच सपना फॉर अ वंडरफुल रेसिपी। यू नो योर साड़ी इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। देखिए लाइव वीडियो के लिए कितना उन्होंने आपके लिए प्रिपरेशन करी, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में जरूर बताइए, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।